तो अब हम स्टार्ट करें, किसी और का वेट करना है और 2 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट डिले हो गए हम लोग। ओके ग्रेट, लेट्स बिश्वजीत सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? आवाज आ रही है अच्छे अच्छे हाँ, सर कैसे हैं अभी आपकी दादी? आई होप शी इज रिकवरिंग नाउ। दादी नहीं, आपके कोई हॉस्पिटल में हाँ एडमिट थे ना? हाँ 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 भैया भैया ब्रदर हाँ ब्रदर, सॉरी, कैसे अभी वो? केमो चल रहा है अभी। अभी रिमेनिंग 3 केमो बाकी है। अच्छा, मतलब उनको थोड़ा केमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, तो ओह सॉरी। फास्ट फास्ट करते हैं। ओके ग्रेट, आप अच्छे हैं ना सर? राइट राइट, आई एम, हाँ, एकदम बढ़िया सर। चलो एनीवेज, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 4 लोग हैं, कोई बात नहीं। सोहेल हसीब जी भी आए हुए हैं। ओके सारे लोगों को मैं अभी अनम्यूट म्यूट कर रहा हूँ। मैं अभी सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, और सेशन के बाद अगर आपको बीच में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करना, ठीक है? तो हम वापस डिस्कस कर लेंगे। ओके, मैं आपको सारे लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, एंड आई विल स्टार्ट विद द सेशन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, थम्स अप कर देना मुझे अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो। राज, कैन यू हियर मी? ओके ग्रेट। सर, आई कैन हियर। एंड वन मोर थिंग, ये मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मिस्टर सोहेल राणा हसीब से, ये बांग्लादेश से, ठीक है? ओके ग्रेट ग्रेट। बेसिकली मेरा बात, मैंने अपॉइंटमेंट लिया था बट बात नहीं हो पाया, बट लगी आज वो हमारे साथ मीटिंग पे है, ठीक ग्रेट। है? तो सोहेल सोहेल जी, मेरा नाम किंजल शाह है, मैं मुंबई इंडिया से बात कर रहा हूँ। कैन यू हियर मी सर? हेलो। हाँ यस यस आपको हिंदी हाँ समझ में आती है सर? हाँ आते ओके ग्रेट, वेलकम वेलकम। और सेशन के बाद ओके हम, अगर अगर आप टाइम दे सको तो हम 10-15 मिनट बात कर सकते हैं फोन पे सर, व्हाट्सएप कॉल पे? अभी अभी नहीं, सेशन के बाद, 10 बजे के बाद। ओके 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 ग्रेट, ठीक है। तो वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट, सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं सारे लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि सेशन में मुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो, राइट? और मेरी वॉइस सबको क्लियर है, राइट? यस यस सर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप ये स्क्रीन जो है ना, फुल स्क्रीन कर दो, दैट्स इट, नहीं थोड़ा प्रॉब्लम है तो यही स्क्रीन कंटिन्यू करूंगा मैं। ओके ओके, यू कैन स्टार्ट। तो हम मैनेज करते हैं आज के लिए, ठीक है? ओके, वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप लोग जितने भी लोग आए हैं, ऑल वेलकम टू ऑल द टीम मेंबर्स, मायसेल्फ किंजल शाह। और जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि लास्ट सेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था, एक जनरल इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन हुआ था कि आप टीम वर्कर के पार्ट हो चुके हो और अभी आप एक बिजनेस एनवायरमेंट में आ चुके हो एज अ करियर, राइट? अब इसके साथ साथ हमको सिस्टम के बारे में, बिजनेस के बारे में सब कुछ जानना है, बिजनेस क्या है, कैसे है। उससे पहले तो आज का जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि व्हाट इज एटॉमी, एटॉमी है क्या, राइट? और यहाँ पे हम कैसे, हमको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, राइट? कंपेंसेशन प्लान मैं यहाँ आज शेयर नहीं करने वाला हूँ, काफी एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा ताकि जो भी हमारे पास बांग्लादेश से भी एक शोएब जी आए हुए हैं तो उनको भी एक नॉलेज मिलेगा कि एटॉमी प्लेटफॉर्म क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। तो वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स वंस अगेन टू द वंडरफुल लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एटॉमी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइट? अब जैसे आप लोग सारे लोग जानते ही हो
आज दुनिया में जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स चल रहे हैं या जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं दुनिया में, राइट, उसमें कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस सिचुएशन एक ड्रॉप आया हुआ है, राइट. लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हम लोग ऑलरेडी बन चुके हैं जो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बनते जा, जो पहले से है और अभी और तेजी से ग्रो कर रही है. तो वी शुड कंसिडर अवर सेल्फ वेरी लकी कि हम ऐसी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है. लेकिन ये इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद हम लोग बहुत, ये ऑलरेडी इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट तो करती है, जैसे आप लोग सारे लोग जानते ही हो, अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, वॉलमार्ट है, ये सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं. एक मिनट, मुझे कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, शायद कोई ऑनलाइन है ऑलरेडी. एक ओके, आप लोगों ने, सारे लोगों ने अपने आपको म्यूट, अच्छा ओके 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 ओके, थैंक यू. जैसे आप लोग सारे लोग जानते ही हो कि ऑलरेडी ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग की इंडस्ट्री हमारे सामने ऑलरेडी तेजी से ग्रो कर ही रही है और कहीं ना कहीं हम उसको पार्टिसिपेट डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में करते ही करते हैं, राइट. लेकिन आज तक हमको ये नहीं पता था कि ये ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बिजनेस भी होता है जिसको हम अगर बेनिफिट ले सकते हैं तो यहाँ पे हमारा लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्यूचर बन सकता है. तो आज मैं आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी और जो प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म का नाम है एटॉमी ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल. तो एटॉमी बेसिकली क्या है, सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि एटॉमी बेसिकली क्या है और एटॉमी किस तरह से हमें बेनिफिट दे सकती है, राइट. ये हमारे बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं. तो और आप जब अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने लोगों से बात करना भी कोशिश करोगे या जाओगे, अप्रोच करोगे, तो उन लोग को भी ये क्वेश्चन है कि भाई एटॉमी है क्या और मुझे यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल सकता है, तब आपको ये इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको काम में आएगी, राइट. तो एटॉमी बेसिकली एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जो एब्सोल्यूट क्वालिटी और लो एब्सोल्यूट प्राइस में आपको डेली नेसेसिटीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती है वर्ल्ड वाइड. और यहाँ पे जैसे अमेजोन पे आप कोई भी चीजें भी, नीडल से लेकर गाड़ी तक सारी चीजें अमेजोन अवेलेबल करवाती है कंज्यूमर्स को, बट जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके कंपैरिजन में हमारा एटॉमी का जो प्लेटफॉर्म है वो नॉट ओनली आपको डेली नेसेसिटीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाता है एब्सोल्यूट प्राइस एब्सोल्यूट क्वालिटी में, बट यहाँ पे आपको एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म भी देता है, राइट. जैसे आप लोग समझते हो कि जैसे अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट है, ये हमको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो हमारे घर पर डिलीवरी दे देते हैं, बट क्या हमें उसके बाद कोई बिजनेस करने का मौका मिलता है? कुछ नहीं मिलता. लेकिन एटॉमी ही एक वर्ल्ड का एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस मॉडल पे काम करता है. ऐसा दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं है जो ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग के कॉम्बिनेशन में काम करता हो. और सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे क्या है कि यहाँ पे आप नॉट ओनली इंडिया बट आप ग्लोबली अपना ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अपने कंज्यूमर्स को एसोसिएट कर सकते हो और एक कंज्यूमर्स का नेटवर्क आप ग्लोबली बिल्ड कर सकते हो. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. और ये कैसे कर सकते हैं मैं आने नीचे भी आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पे क्यों इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. सबसे पहले कोई भी कंपनी को जब आप ज्वाइन करते हो या एज अ करियर अपनी कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको समझना जरूरी है कि इसके मैनेजमेंट कौन है, इसके फाउंडर्स कौन है, कि किस किसके अंडर, किसके लीडरशिप के अंदर ये कंपनी चलती है, राइट. क्योंकि जो बंदा ये कंपनी चलाता है उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है, उसका विजन क्या है, उसका फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, वो जानना और समझना बहुत जरूरी होता है. अगर हम इसके विजन को, अगर इसके विजन और इंटेंशंस को अगर समझ लेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म एक करियर बेस्ड डिसीजन लेने का हमको ईजी हो जाता है. क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, जो उसके ओनर होते हैं, जो उसके मैनेजमेंट स्टाफ होते हैं, जो उसके चलाने वाले जो ओनर्स होते हैं, उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और उसके इंटेंशन पे ही सारा बिजनेस आने वाला फ्यूचर और विजन बनता है. अगर हम लोग कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस या कुछ भी करते हैं अगर उसके पीछे उसका इंटेंशन और विजन क्लियर नहीं होता है तो वो काम ज्यादा लंबे तक नहीं चल सकता. इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कंपनी के जो ओनर है उसके बारे में अभी फोकस करने जा रहा हूँ आप लोगों को, राइट. तो जैसे आप लोग जानते ही हो, स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कंपनी के जो चेयरमैन है, ही इज मिस्टर हैंगल पार्क. अगर मैं इनके एजुकेशन की बैकग्राउंड की बात करूँ तो इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है
वुसिंग यूनिवर्सिटी जो साउथ कोरिया में आती है, राइट। और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पीएचडी किया हुआ है। दुनिया में एक ऐसे पहले ऐसे चेयरमैन हैं जो कंपनी के ओनर हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के में पीएचडी किया हुआ है। इन्होंने अपना करियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वहां से इन्होंने अपने बिजनेस के गुण्स और मैनेजमेंट के कैपेबिलिटीज डेवलप की थी। और वहां पे 17 साल करने के बाद जब 1992 में वो ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पे उनको डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस का इंट्रोडक्शन किसी ने वहां पे, जो उनके जान पहचान में वहां पे थे ऑस्ट्रेलिया में, उनको इंट्रोड्यूस करवाया 92 में। जैसे ही उन्होंने ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को समझा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मॉडल क्या है कि सिंपल बिजनेस मॉडल है कि जैसे हम ट्रेडिशनल लाइफ में हम लोग काम करते हैं, जैसे यहाँ पे स्लाइड में आपको पता चल रहा है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट हम लोग अभी मार्केट से जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, मान लो एक टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए, तो अगर कोई टूथपेस्ट अगर आप मार्केट से लाते हो तो एज अ एंड कंज्यूमर वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता कैसे है, तो जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है उसकी फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, और बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सीएनएफ एजेंट है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जो कंट्री लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उससे स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, फिर टेलीविजन और टीवी मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से उसकी अवेयरनेस स्प्रेड होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स, पोटेंशियल कंज्यूमर्स को उसके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड हो, और जैसे ही प्रोडक्ट्स का अवेयरनेस स्प्रेड होता है वैसे वैसे कंज्यूमर्स उसके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर कंज्यूमर्स तक पहुंचता है तो बीच का जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा बना जाते हैं और वो सबसे ज्यादा पैसा हमारे से लेके जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि मान लो अगर आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोडक्ट मार्केट में आपका टूथपेस्ट है, अगर आपको कोई 100 रुपए का चीज आपको हमारे को एज अ कंज्यूमर मिलता है तो क्या आपको लगता है कि वो एक मैन्युफैक्चरर को 100 रुपए में पड़ता होगा बनाने की कॉस्ट? नहीं, डेफिनेटली नहीं, वो हार्डली 35-40 रुपीज में बनता है। और बीच में ये जो 60-70% जो बीच में जितने भी लोग हैं, जैसे एडवर्टाइजर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, जैसे आप लोग देखते हो हर प्रोडक्ट को आज के तारीख में टीवी मीडिया में आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि वो बॉलीवुड हीरो और हीरोइंस उसको प्रमोट करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या वो प्रोडक्ट्स खुद यूज करते होंगे? डेफिनेटली नहीं करते हैं। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए उनको करोड़ों रुपए का इनकम वहां पे कंपनियां देती है ताकि वो चीज को लोग अवेयर कर पाए और उसको मार्केट एक उसका डेवलप होकर कंज्यूमर जो उसको प्रोडक्ट को बाय करे। इस तरह से जब आप मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट से कंज्यूमर्स तक पहुंचता है तो वहां पे बीच में 60-70% का मार्जिन ये बीच वाले जितने भी इंटरमीडियरीज है उनके बीच में चला जाता है, राइट। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि वो डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचता है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से बीच में जितने भी 60-70% का मार्जिन या कॉस्ट जो बाकी के इंटरमीडिएट में जाता है वो हमें कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है कि उनके पास ना जाकर हमारे पास वो 60-70% का जो कॉस्ट सेविंग्स होकर हमारे पास को शेयर किया जाता है, राइट। उसी तरह से एटॉमी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये कोई प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कनेक्ट करके अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं और उनके डायरेक्टली उनकी फैक्ट्री से प्रोडक्ट को सोर्स करके अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन के थ्रू कंज्यूमर्स को वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करवाते हैं। इस तरह से बीच का जितना भी 60-70% का मार्जिन है जो इन बिचौलियों में चला जाता है उसकी अर्निंग्स हमें एटॉमी शेयर करती है, राइट। तो कोई भी बिजनेस करने से पहले हमारे कंपनी का बैकग्राउंड, जो ओनर है उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बताया उनका एजुकेशन का बैकग्राउंड, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और 1992 से वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए थे। और जब उन्होंने 1992 में जब उन्होंने बिजनेस को स्टडी किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ग्लोबली स्टडी किया, तो उन्होंने बहुत सारे लूपहोल्स देखे वहां पर कि जो जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है वो लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी बिजनेस या गुड डिस्ट्रीब्यूशन अगर डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएट होकर अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वर्ल्ड वाइड लाखों हजारों कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स लोगों को मिलेंगे, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, उनका लाइफ इंप्रूव होगा और वो फाइनेंशियली
अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। इस विजन के साथ उन्होंने 1992 में मल्टी लेवल मार्केटिंग में एंट्री लिया और उसके बाद उन्हें कुछ कंपनियों के साथ काम किया और उन्होंने हाईएस्ट रैंक्स भी वहां पे अचीव किया, बहुत बड़ा सक्सेस क्रिएट किया और कंपनीज के बिहाफ पर बहुत सारी सेल्स अचीव किया। उसके बाद उनके काम को देखते हुए, उनकी एक्सपर्टीज को देखते हुए, उनके नॉलेज को देखते हुए और उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखते हुए उनको 1999 में कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग के एक उनको प्राइज दिया गया 99 में। और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब, मतलब जो पूरी इंडस्ट्री का एक लीडर्स क्लब है जहां पे साउथ कोरिया में, उनका उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद उन्होंने समझा कि 2000 में जब ये ई कॉमर्स की इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और लॉन्ग टर्म में जो भी लोग होंगे वो ज्यादातर अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन बाय करेंगे। इस विजन के साथ आप सोच सकते हो कि ऑनलाइन की इंडस्ट्री आज हम लोग यूज कर रहे हैं ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर, आज से 5-10 साल पहले, लेकिन हमारे हेंगल पार्क सर को वो विजन 2000 में ही आ चुका था। तो उन्होंने वो चीज को ध्यान में रखते हुए imkorea.com के नाम से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरुआत किया। लेकिन जैसे मैंने बताया, साउथ कोरिया से इन्होंने, इनका ओरिजिन था, तो वहां पे जब ये इन्होंने imkorea.com के नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को शुरुआत किया तो वहां पे 1,00,000+ प्रोडक्ट्स वहां पे उन्होंने सेल करना चालू किया था। बट वो टाइम पे ना ही इंटरनेट था, ना ही टेलीफोन था, ना ही लोग इंटरनेट के बारे में ज्यादा जानते थे या ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में ज्यादा जानते थे। उसी रीजंस की वजह से वो उनका प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके लेकिन उनको ये बिजनेस मॉडल के बारे में और इनका जो बिजनेस, जो ई कॉमर्स का इंडस्ट्री है उसके बारे में उनका एक पोटेंशियल उनको पता चल चुका था। तो फिर धीरे 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 उनको उनकी एक्सपर्टीज, उनका नॉलेज, उनका रिकॉग्निशन देखते हुए, उनकी सक्सेस स्टोरी देखते हुए उन्होंने 2013 में कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का उनका वाइस चेयरमैन बनाया गया। ये फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि जितनी भी न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री चलती है जो हेल्थ को कैटर करती है, उनका उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो आप सोच सकते हो किस कैलिबर का उनका नॉलेज होगा, एक्सपर्टीज होगा। उसके बाद उनको 2015 से लेकर 2018 तक वो कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर रहे, उनका वाइस प्रेसिडेंट रहे। ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या होता है, जो नए लोग हैं स्पेशली उनको मैं बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या होता है कि हर कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बॉडी होता है जो होता है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वो इंडस्ट्री की गाइडलाइंस और बेंचमार्क को सेट करता है वो पर्टिकुलर कंट्री के लिए। तो जैसे इंडिया में IDCA है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ऐसे हर कंट्री में आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है। तो उस तरह से उनको 2000 कोरिया में भी उनका जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन था वो वहां पे 3 साल एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। उसके बाद 2000 कंटिन्यू में उनका प्रमोशन होकर उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद वो अभी जैसे 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 उनको एक्सपर्टीज होते गया तो 2009 में इन्होंने एटॉमी को एस्टैब्लिश किया एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और आज की तारीख में उनको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है, जैसे मैंने बताया हर कंट्री में एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है, उसका एक ग्लोबल बॉडी होता है जो ये सारी कंट्री के डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को मॉनिटर करता है। वो जो एसोसिएशन है उनके अभी ये हमारे हेंगल पार्क सर काउंसिल मेंबर है। काउंसिल मेंबर का मतलब क्या होता है, ये ऐसे मेंबरशिप के पैनल्स होते हैं उनके साथ में जो पूरे ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की गाइडलाइंस के ऊपर किस तरह से बिजनेस करना चाहिए, किस तरह से इंडस्ट्री वर्क करनी चाहिए, किस तरह से हम इंडस्ट्री को एक जेन्युइन ऑथेंटिक वे में ऑनेस्टी के साथ चला सकते हैं, उसकी गाइडलाइंस बेंचमार्क वगैरह सेट करते हैं। उसमें हमारे जो हेंगल पार्क सर है उनको काउंसिल मेंबर के रूप में वहां पे अपॉइंट किया गया है, राइट। तो ये है हमारे हेंगल पार्क सर का बैकग्राउंड, राइट। इनको 25 इयर्स का नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और जैसे मैंने बताया ये दुनिया के पहले ऐसे PhD साइंटिस्ट है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में PhD किया हुआ है। दुनिया में ऐसे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ओनर नहीं है जिन्होंने PhD किया। तो आप सोच सकते किस कैलिबर के यहाँ पे लोग होंगे। अब हम समझते हैं ई कॉमर्स की इंडस्ट्री। देखो आज लोग आप अमेजोन को जानते हो, ईबे को जानते हो, ये सारे बहुत बड़े कॉमन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। अगर मैं इंडियन प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, राइट। तो उस तरह से यहाँ पे आप देखो कि हम जब अमेजोन से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो हमें प्रोडक्ट तो मिल जाता है, ईबे से भी जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग वहां पे भी होता है। उसी तरह से अमेजोन एटॉमी भी एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल ही है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो।
लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसिंग फैक्टर्स हैं जो एटॉमी में है और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में नहीं है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अमेजोन के ऊपर आपको फ्री डिलीवरी नहीं मिलती है, ईबे पर नहीं मिलता है, लेकिन एटॉमी में अगर आप एक पर्टिकुलर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे हमारे इंडिया बिजनेस अभी लॉन्च हो रहा है, तो जब आप 11 तारीख के बाद 10,000 रुपीज का अगर एक साथ में ऑर्डर कर दोगे, 10,000 रुपए का, तो आपको आपके घर में ऑल ओवर इंडिया में भी कहीं पे भी आपके घर पे प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवरी फ्री हो जाएगी। उसके बाद अमेजोन के ऊपर सारे तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उसी तरह से ईबे पर भी सारे तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन एटॉमी बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंपैरिजन में डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे केवल डेली नेसेसिटीज के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डेली चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि बाहर की इकोनॉमी क्या चल रही है, रिसेशन चल रहा है, कुछ भी हो, जैसे टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, क्लोदिंग्स हैं, एपरल्स हैं, शूज हैं, किचन वेयर है, ये सारी की सारी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये डेली नेसेसिटीज के, ये सारे हमारे एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे हमको आने वाले टाइम में अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम भी बोला था, कंपनी का जो विजन है, आज कंपनी नेक्स्ट मंथ में हमारे साथ 39 प्रोडक्ट्स से शुरुआत कर रही है, बट आने वाले टाइम में हमारे पास हजारों कैटेगरी के प्रोडक्ट्स एटॉमी के माध्यम से एज अ प्रिविलेज्ड एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर हमको अवेलेबल होने वाले हैं। उस तरह से अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, तो क्वालिटी पे हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता है ईबे पे, अमेजोन पे, क्योंकि वहां पे कोई भी क्वालिटी चेक नहीं होता है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो वहां पे क्वालिटी चेक बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने क्वालिटी चेक नहीं किया और कस्टमर्स को अगर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो प्लेटफॉर्म पे वापस दोबारा रीपर्चेस नहीं करेंगे। लेकिन एटॉमी अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग होते हैं, जिसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती है, जो प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट हो सकती है, उसी प्लेटफॉर्म उसी प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे वो लोग ऑनबोर्ड लेते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर वो लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। एब्सोल्यूट क्वालिटी का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि दुनिया में और कोई भी कंपनी तीनों चीज के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर और क्वांटिटी के मामलों में, इनको एटॉमी को कंपनी को बीट नहीं कर सकता। आपको तीनों चीज में ध्यान में रखना है, प्राइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो यहाँ पे जितनी भी अमेजोन और ईबे पे है, वहां पे कंट्रोल प्राइस पे काम करते हैं, लेकिन एटॉमी का जो बिजनेस मॉडल है, ये एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस का सिंपल मीनिंग यही है कि दुनिया में कोई भी कंपनी जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट, जिस प्राइस में, जिस क्वांटिटी हमें अवेलेबल करवाती है और जो टेक्नोलॉजी यूज करती है, वो सारे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो एटॉमी के अलावा और कोई भी कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो प्राइसिंग है वो एब्सोल्यूट प्राइस है, और इसी एक रीजंस की वजह से आज एटॉमी 15 कंट्रीज में 35-40% ग्रोथ के साथ ईयर ऑन ईयर बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। उसी तरह से जब हम कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे बाय करते हैं, ईबे पे बाय करते हैं, वहां पे कोई भी मनी बैक गारंटी नहीं होता है। हाँ, जरूर आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मनी बैक गारंटी नहीं होती है। आपको कुछ ना कुछ उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, आपको पैसा वापस नहीं दिया जाता। लेकिन एटॉमी एक ऐसी कंपनी है जो आपको, जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे और आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है, तो आप 30% प्रोडक्ट रिटर्न करने के बाद भी 30 दिन के अंदर अगर प्रोडक्ट कंपनी को रिटर्न कर दोगे, 30 डेज के बाद, विद इन 30 डेज, तो कंपनी आपको 100% मनी बैक गारंटी यहाँ पे देती है। उसके बाद जो हम अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, ईबे से शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे आपको कोई इनकम प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है। जैसे आप लोग जानते ही हो कि अमेजोन आज की तारीख में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन क्या एज अ कंज्यूमर आपको कोई बेनिफिट मिला वहां पर? क्या अमेजोन ने आकर कभी आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया या कोई बेनिफिट दिया? कभी नहीं दिया। लेकिन एटॉमी आपको एक प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप देता है कि आप अपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, सारे डेली नेसेसिटीज के प्रोडक्ट, जो आपको गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी चीज चाहिए, हम सारे आपको अवेलेबल करवाएंगे, और आपको 100% मनी बैक गारंटी के साथ आप यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था 60-70% का जो मार्जिन है, जो बीच वाले लोग के बीच चला जाता है, वो सेम पैसा आपको और हमारे जैसे कंज्यूमर्स जो लाखों लोग हैं वर्ल्ड वाइड, उनको अर्न करने का मौका देती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में और एटॉमी में। तो वी शुड बी प्राउड कि हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो एटॉमी बेसिकली क्या है? एटॉमी का अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, तो एटॉमी 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था साउथ कोरिया से, और ये प्योरली एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। ये कोई भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। ये केवल क्या करती है कि जो अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनके पास अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको अप्रोच करती है,
उनसे बल्क प्रोडक्शन करवा के एक अच्छी डील नेगोशिएट करती है और अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा वर्ल्ड वाइड उनके कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवाती है, राइट। तो उन्होंने क्या किया है कि हर प्रोडक्ट्स को, जैसे अगर आज की तारीख में अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो एक ही एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसके थ्रू हो सकता है वो है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल इतना कॉस्ट इफेक्टिव है और इतना स्केलेबल है कि इसके कंपैरिजन में और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल काम नहीं हो सकता जहां पे कंपनी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कर पाए, राइट। तो बेसिकली एटॉमी एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और आज की तारीख में साउथ कोरिया में 400 प्लस प्रोडक्ट्स जो पेटेंटेड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसका वर्ल्ड में और कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, और तो आप बोल सकते हो कि मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो 400 प्लस प्रोडक्ट्स को जो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब समझने वाली बात यह है कि जब एटॉमी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट ही करती है, वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है, तो ये प्रोडक्ट्स आते कहां से है? तो इसके पीछे दो कंपनियां हैं, एक है कोलमार और दूसरी है कैरी। कैरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो R&D का काम करती है और कोलमार BNH जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है साउथ एक्सचेंज में साउथ कोरिया में, वो प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और जब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होके रेडी हो जाते हैं कोलमार BNH के द्वारा, उसको एटॉमी के माध्यम से एक्सक्लूसिवली केवल एटॉमी के माध्यम से ही हमारे जैसे कंज्यूमर्स को और मेंबर्स को अवेलेबल वर्ल्ड वाइड एटॉमी करती है। तो एटॉमी बेसिकल अगर आपको कोई भी पूछे तो एटॉमी क्या है, एटॉमी एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है और ये एटॉमी के अलावा एटॉमी का जो विजन है आने वाले सालों में लाखों प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने का विजन है। तो ये किस तरह से काम करेगी, तो ये जैसे हमारे पास इंडिया में बिग बाजार है, रिलायंस रिटेल है, ऐसे बहुत बड़े बड़े रिटेल जायंट्स है, उसी तरह से साउथ कोरिया में आजा मॉल है, A to Z मॉल, वो भी इस तरह से प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हमारे को अवेलेबल करवाती है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स आज की तारीख में आजा मॉल साउथ कोरिया में लाइव हो चुका है और वहां पे भी जब ये प्रोडक्ट्स हम एटॉमी के मेंबर्स जब खरीदेंगे तो वहां पे भी हमको स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल डील्स और पॉइंट वैल्यूज मिलेंगे। जैसे मैंने बताया था लास्ट सेशन में, जब भी आप एटॉमी के प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदोगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट वैल्यूज मिलते हैं। तो उसी तरह से स्पेशली जब आजा मॉल से भी आप शॉपिंग करोगे आने वाले साल में, एक साल दो साल में ये प्लेटफॉर्म हमारे पास इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां पे हजारों कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे। तो जब आप वो प्लेटफॉर्म पे आजा मॉल के थ्रू भी जब आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तो आपको पॉइंट वैल्यूज मिलेंगे, राइट। जो कंपनी का प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रोडक्ट जो है उसमें हमारी दो प्रोडक्ट है, एब्सोल्यूट स्किन केयर और हीमोहिम। हीमोहिम जो प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो 8 साल के R&D के बाद और 5 कंट्रीज में पेटेंटेड प्रोडक्ट है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इतना बड़ा R&D के बाद ऐसा प्रोडक्ट का डिस्कवरी किया गया हो, राइट। तो एटॉमी बेसिकली क्या है, जो एटॉमी का अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो कैरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट R&D कंपनी है USA NASA के बाद। आप लोगों ने NASA का नाम तो सुना ही होगा, राइट। नासा एक वर्ल्ड का पहला और बिगेस्ट R&D कंपनी है, उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट R&D कंपनी होती है वो है कैरी। कैरी का फुल फॉर्म क्या है, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। वहां पे आज की तारीख में 1300 प्लस PhD एंड 4000 प्लस R&D टीम वहां पे काम करती है जो बायोटेक्नोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी और स्पेस फूड में उनकी एक्सपर्टीज है, राइट। और उसके साथ जो दूसरी कंपनी है कोलमार BNH, ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज है, जैसे आप लेडीज हो आप लोग को जानते ही होंगे, लैक्मे है, लोरियल है, फिर ओले है, फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जैसे मैं अगर मैं बात करूँ एमवे, हर्बल लाइफ, ओरिफ्लेम, और बहुत सारी FMCG कंपनीज है जैसे हिंदुस्तान लीवर है, जॉनसन एंड जॉनसन है। वैसे वर्ल्ड की टॉप 500 ब्रांड्स हैं ये तीनों इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसमें जो वर्ल्ड के टॉप 500 ब्रांड्स हैं उसके प्रोडक्ट्स को कोलमार बियर मैन्युफैक्चर करती है और उसमें से एक कंपनी है वो है एटॉमी। तो जब आप कोई भी चीज आपको बोलते हो या किसी से भी बोलते हो तो आप बता सकते हो कि एटॉमी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और उसके पीछे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंपनी बनी है जिसका नाम है कोलमार BNH, जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है और R&D का काम करती है कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके,
अगर मैं कंपनी के कैरी की मैं अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया था क्वेरी का फुल फॉर्म है कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो साउथ कोरिया से फॉर्म हुई थी 1959 में और इसका हेडक्वार्टर है दुजोंग करके एक सिटी है साउथ कोरिया में वहां पे है और ये वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट R&D कंपनी है जहाँ पे 500 PhD साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अलग अलग फॉर्मूलाज प्रोडक्ट्स के ऊपर रॉ मटेरियल्स नेचुरल हर्ब्स जिसमें कोई भी केमिकल कंटेंट नहीं होता है उसके ऊपर फॉर्मूलाज रेडी करती है और जितने भी ये फॉर्मूलाज रेडी करती है उनको वो वर्ल्ड वाइड पेटेंट करवाती है। दैट मीन्स इस पेटेंट फॉर्मूला को दुनिया में और कोई भी कंपनी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज कुछ भी इस तरह से डुप्लीकेट नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी USP है जो हमको यूटिलाइज हमको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। उसी तरह से जैसे मैंने बताया कोलमार बीएनएच क्या करती है, ये प्रोडक्ट को डेवलप, अभी एक ही मिनट बचा है, आप सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सेम लिंक से रिजॉइन कर लेना क्योंकि एक मिनट के बाद सेशन आउट हो जाएगा, तो सारे लोग रिजॉइन कर लेना, ओके। कोलमार बीएनएच जो है ये भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और साउथ कोरिया की 1990 से ये साउथ कोरिया में एस्टैब्लिश हुई है और इसका ओरिजिन में अगर मैं बात करूं तो ये 1921 में USA से स्टार्ट हुई थी, तो अगले साल इसके 100 ईयर्स ये कंप्लीट कर लेगी। ये क्या करती है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और वर्ल्ड का पहला ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है वर्ल्ड के टॉप 500 ब्रांड्स के बिहाफ पर और इसके वर्ल्ड वाइड 11 रेगुलेटरीज हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट जैसे स्किन केयर है, रेडीमेड गारमेंट्स है, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट के अलग अलग सेंटर्स हैं, 13 वर्ल्ड वाइड लेबोरेटरीज है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अगर मैं एटॉमी की बात करूं तो एटॉमी 2009 में स्टार्ट